सर एक हाउस ब्रेकिंग का मामला सामने आया था, वो डिटेक्ट हुआ है, कितना रिकवर हुआ है, कितने लोग थे उसमें, किस तरह से डिटेक्ट किया गया, क्या बताएंगे? क्रिश्चियन विलेज में रहने वाली एक कंप्लेनेंट लेडी है, 17 तारीख को रात को अपना घर लॉक करके अपने बहन के इधर वो एक प्रोग्राम में गई थी, उसी रात को उसके घर में हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट हुआ है 17 तारीख को रात को। 18 को हमको ये केस रिपोर्ट हुआ था, हमने प्रॉपर प्रोसीजर उसमें रजिस्ट्रेशन का करने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स PSI पाटिल API दूतराज ये एक्टिव हो गए थे, पूरा एरिया में वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में पहले उन्होंने आरोपी को डिस्क्लोज किया, बाद में वही टेक्निकल स्किल्स और बाकी एरिया में थोड़ा इंक्वायरी के बाद आरोपी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और ये केस ओपन किया है। सर कितना रिकवर हुआ है, कितने की चोरी हुई थी, कितना रिकवर हुआ है और किस तरीके से अंजाम देता था ये केस में? कंप्लेनेंट का अबाउट 25 तोला गोल्ड ऑर्नामेंट्स और 1.5 किलो अप्रोक्सीमेटली चांदी के ऑर्नामेंट्स है, ये सब प्रॉपर्टी टोटल प्रॉपर्टी हमने रिकवर की है। आरोपी एक ही आरोपी है, रात के टाइम वो सिंगल एक सैक में सब हाउस ब्रेकिंग टूल्स लेके मूव करता है, जो भी घर उसको बंद दिखता है वो घर का लॉक तोड़ के वो एंट्री करके अकेला ही चोरी करता है और बाद में ये जो भी उसमें चोरी का माल मिलता है ये तुरंत बेच के ये सब टिकटॉक या फैंसी लिविंग हायर लिविंग स्टाइल अपर लिविंग साइड में खर्चा करता है। सर क्या इसके पहले उसके ऊपर कहीं मामले दर्ज है? हाँ, उसके ऊपर 8 से 10 हाउस ब्रेकिंग के केसेस रजिस्टर है, अकेला ही चोरी करता है, उसका मोडस ऑपरेंडी है और अकेला ही मूव करेगा। पहले ओशूरा जुहू पुलिस स्टेशन, फिर बाद नवी मुंबई विरार एरिया में उसके केसेस है। सर कौन से सेक्शन के तहत मामला दर्ज करते हुए ऐसे गिरफ्तार? हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट का केस है ये। रहने वाला कहाँ का है सर और क्या नाम है उनका? ये पहले जब ये माइनर था उस टाइम कुर्ला क्रांति नगर एरिया में रहता था और उसका पढ़ाई भी ये इधर ही क्रिश्चियन विलेज में हुआ है, इसलिए क्रिश्चियन विलेज की हर एक गली वो जानता है। बाद में वो कल्याण साइड रहता था, दीवा, और अभी वो रिसेंटली रहने के लिए कुर्ला ईस्ट में आया है। ठीक,